वेलकम गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब तो अभी सुबह का टाइम है और मैं अलीना के लिए यहाँ पे ना टिफिन बना रही हूँ आज मैं उसे टिफिन में दे रही हूँ पिज़्ज़ा सैंडविच बहुत हेल्दी होता है ये मल्टीग्रेन में बना हुआ है और मैं इसकी रेसिपी ना शेयर करूँगी आप लोगों के साथ लास्ट टाइम मैंने टिफिन की रेसिपी शेयर की थी तो आप लोगों को बहुत पसंद आया था और आप लोग बोल रहे थे वेज रेसिपी शेयर करने तो मैं वेज सैंडविच बनाऊँगी तो मैं नाश्ते में सेम चीज़ बनाऊँगी तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ और यहाँ पर मैं अलीना को दे रही हूँ एग मैं कोशिश करती हूँ कि प्रोटीन साथ में दूँ उसे टिफ़िन में चाहे वो चिकन के फॉर्म में हो या एग के फॉर्म में हो तो बस यहाँ पे अलीना का टिफिन जो हो गया वो रेडी हो गया है और अलीना भी रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए बस सलीना जा चुकी स्कूल अब मैं अपना काम आराम आराम से करूँगी और मैं ना आज बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करने वाली हूँ जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ तो आप लोगों का भी लाइफ बहुत आसान हो जाएगा और ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो ऐसे हैं जो आपको गूगल में कहीं नहीं मिलेंगे यूट्यूब पर भी कहीं नहीं मिलेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए आ, मतलब जो हाउस वाइफ से जो घर का डेली काम वाम करती है तो उससे ना काम थोड़ा आसान हो जाएगा आपका ये सब टिप्स से तो पहले तो मैं नाश्ता बना दूँ आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर लूँ तो ये पिज़्ज़ा सैंडविच सैंडविच बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने लिया है बेल पेपर्स और थोड़ा सा अनियन चॉप कर रही हूँ आप चाहो तो टमेटो भी ले सकते हो आ, और ये एक ऑलिवज़ है ब्लैक ऑलिवस भी चलेगा ग्रीन ऑलिवस भी चलेगा नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो थोड़ा सा मैंने लिया है कॉर्न और यहाँ पर ना और यहाँ पर मैं सॉस लगा रही हूँ पास्ता सॉस है ये पास्ता सॉस हो या पिज़्ज़ा सॉस हो कुछ भी लगा सकते हो और यहाँ लिया है मोजरेला चीज़ श्रेड किया हुआ है और यहाँ पे इसके ऊपर हम डाल देंगे जो भी हमारा टॉपिंग्स है और जो भी सब्जी हमने चॉप किया था उसके बाद हल्का हल्का चीज़ ऊपर से और थोड़ा डाल देंगे और फिर औरगैन हो और चिली फ्लेक्स बच्चे अगर चिली फ्लेक्स नहीं खाते तीखा नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हो और मैं इसे एयर फ्रायर में बनाऊँगी और अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है ना तो आप पैन में ही बना सकते हो स्लो में रख देना और ये ओवन में ही बन जाता है आराम से तो बस पाँच मिनट लगा दिया है मैंने वन डिग्री में आराम से बन जाएगा और जब तक हमारा पिज्ज़ा बन रहा है फ्रूट्स कट कर लेते हैं यहाँ पर और देखिए कितना ज़बरदस्त बनकर निकला है आराम से घर में बन जाता है कुछ इन्ग्रीडियंट्स के साथ और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है और ये थोड़ा ओवर कुक हो गया है मैंने सेवन मिनट्स रख दिया था फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं था फिर नेक्स्ट टाइम मैंने पाँच मिनट रखा वन सिक्सटी डिग्री पे तो सही से परफेक्टली बन गया मैं कट करके दिखाती हूँ आपको मतलब ऐसा पिज्ज़ा आप घर पे बनाएंगे ना तो बाहर से ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है और जो बाहर का पिज़्ज़ा का जो बेस होता है ना उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये बहुत ही हेल्दी घर का बना हुआ है कभी भी आप दे सकते हो बच्चे को नाश्ते में हो या स्नैक में हो टिफिन में हो बहुत ही हेल्दी है मतलब पिज्ज़ा का हेल्दी वर्जन है ये घर में अगर आप इस तरह से बना रहे हो क्योंकि मल्टीग्रेन ब्रेड में बना हुआ है कोशिश करो कि ब्राउन ब्रेड दो बच्चे को तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा फ्रूट्स कट कर लिया है और तो आज हम ले रहे हैं ब्लैक टी साथ में आज मिल्क टी पीने का बिल्कुल मूड नहीं है हस्बैंड का तो वो बोल रहे हैं ब्लैक टी लेकर आओ तो फिर यहां पर नाश्ता हमारा रेडी हो गया है तो यहाँ पर बस टेबल पे लगा देंगे और हस्बैंड काफी बिजी लग रहे हैं लगता नहीं है कि वो साथ में खाएंगे और मीशो को भी मैंने नाश्ता करवा दिया है फिर भी इसका प्लेट में लगा देती हूँ अगर खाना हुआ तो खाएगी नहीं तो वो टी वी देखने में बिजी है मीशो आज और हस्बैंड को अंदर ही मैं नाश्ता दे दे रही हूँ आज फ्री होते हैं तो साथ में कर लेते हैं बिजी होते हैं तो टेबल पे यहाँ से नाश्ता करते हैं और यहाँ पे मैं अकेले नाश्ता कर रही हूँ और मीशो भी ने मीशो ने भी कंपनी नहीं दिया मुझे आज वो टीवी देखने में बिज़ी है और बहुत ही टेस्टी बना था पिज़्ज़ा आप ज़रूर ट्राई करना और देखिए टिप नंबर वन ये है कि अगर कभी ना आपके किचन टावल में या कपड़े में होता है ना बच्चे कभी खाते वाते करी वरी गिर जाता है अभी मैं सालन प्रिपेयर कर रही थी डिनर के लिए तो हल्का सा ये गिर गया मतलब मैरिनेट गिर गया उसका तो ये करी का दाग जाता नहीं है अब धो गए ना तो ये येलो से ऑरेंज हो जाएगा डिटर्जेंट तो लगने से फिर वो पक्का हो जाता है दाग कभी नहीं जाता है तो ऐसे में क्या करना है आपको सिंपली इसे ले जाकर धूप में डाल देना है धूप में पूरा दिन छोड़ दो और ये मैजिकली गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर दाग लगा था मतलब इस तरह से गायब हो जाता है ये टर्मरिक का स्टेन कभी भी बच्चे के कपड़े में भी करी गिर जाता है खाते वक्त टी शर्ट हो या बेडशीट में कभी बच्चे का हाथ गंदा होता है करी वाला हाथ होता है कभी जाके पोष देते हैं आप जाके जस्ट डाल दो धूप में और देखना बिल्कुल गायब हो जाएगा और यहाँ पर मैं चिमनी क्लीन कर रही थी तो चिमनी बहुत गंदा हो गया था तो यहाँ पर ना देखिए हालत पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है ब्लैक नहीं ऑयली ऑयली ग्रीजी दिख रहा है तो मैंने पानी डाल दिया है इसमें गर्म गर्म पानी उसके बाद मैं यहाँ पे सोडा यूज कर रही हूँ और सिर्फ सोडा से ये पूरा क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल क्लीन दिखेगा आपको मैं दिखाती हूँ जस्ट आपको ना सोडा लगाना है आप ग्लव्स पहन लो अगर आपको इरीटेशन होता है सोडे से तो आ, तो बस इस तरह से ना सोडा लेके कर गर्म पानी डालना है पहले उसके बाद सोडा इस तरह से स्प्रेड करना है उसके बाद दो मिनट छोड़ना है और उसके बाद इसे हल्के हल्के हाथ से बस घिसना है आपको एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है आप देखेंगे ना आराम आराम से निकलना शुरू हो जाएगा ये देखिए मैं बस हल्का हल्का घिस रही हूँ और ये निकल जा रहा है बस बच्चों का खेल हो जाता है बस साफ़ हो गया है बस पानी से धो लेंगे इसे तो मैंने सिर्फ सोडा से ही साफ़ किया ना मैंने डिटर्जेंट यूज़ किया ना मैंने कोई साबुन यूज़ किया देखिए कैसा हो गया है कैसा था तो नेक्स्ट टाइम चिमनी का इस तरह से कुछ क्लीन करना हो ना तो आप सोडा यूज़ करें आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप थकेंगे नहीं काम आराम से हो जाएगा और ये सबसे ज़्यादा गंदा ना इसमें होता है ये नेट है इसका चिमनी का पूरा ऑयल ग्रीस इसी में जाके ना जमा हो जाता है देख सकते हो आप कैसा निकला है पूरा ऑयल जो ना डिटर्जेंट से भी निकलता नहीं है साफ हो नहीं होता है वो सोडा से हो गया तो बस थोड़ी देर यहाँ पे रख देंगे सूखने के लिए ये सूख जाएगा उसके बाद फिर इसे लगा देंगे और शूज़ शूज़ ऐसा होता है ना कभी कभी मैं अभी किचन क्लीनर से क्लीन करके आपको दिखाऊंगी मैजिकली क्लीन हो जाएगा कभी ऐसा होता है कि अभी बाहर जाना होता है और शूज़ गंदे पड़े होते हैं तो फिर हम पहन नहीं पाते बट इस टिप्स से ना आप अपना शूज़ इंस्टेंटली क्लीन करके आप पहन के बाहर जा सकते हो तो मैं आप मैंने जहाँ जहाँ ज़्यादा गंदा था ना मैंने किचन किचन क्लीनर डाल दिया है वहाँ पर और जस्ट एक अच्छा सा सूखा कपड़ा लेना है उसके बाद इस तरह से ना घिस देना है और आप देखोगे दाग अपने आप गायब हो जाएगा तो आप ये सब टिप अपने घर में यूज़ करके देखो आप सरप्राइज हो जाओगे सारे टिप्स से आप देख सकते हो डिफरेंस दोनों शूज़ में अगर इंस्टेंट जाना है तो आप ये टिप यूज़ करो अगर टाइम है आराम से तो आप पानी से क्लीन करो पानी से अच्छे से क्लीन होता है मुझे तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जब तक तो मैं पानी से ना क्लीन कर लूँ बट हाँ अगर कहीं जाना है फटाफट पहन के गंदा है तो आप वो ट्रिक यूज़ कर सकते हो और ये अलिना का पीटी का शूज़ है जो हर बार हर बार जाती है गंदा हो जाता है तो मैंने यहाँ पर ना एल्कोहल लिया है एल्कोहल ले बस इसे क्लीन करना है एकदम आराम से क्लीन हो जाता है कुछ भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है देखिए तो हर बार तो उसका शूज़ धोना पॉसिबल नहीं है और पीटी का शूज़ पता है नहीं क्यों वाइट ही होता है और वाइट में ज़रा भी गंदा होना तो पूरा दिखता है क्लियरली तो बस मैं अल्कोहल लेके इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ ये देखिए इतना चल साफ़ हो गया है तो और कल पीटी है उसका शूज़ रेडी है कल के लिए और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ग्लास क्लीनर आ, होम मेड ग्लास क्लीनर थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें डाला है विनेगर और साथ में अल्कोहल मतलब एक कप पानी एक कप विनेगर और दो कप अल्कोहल अगर कम क्वांटिटी में बनाना है बनाने तो क्वांटिटी आप कम कर सकते हो और थोड़ा सा कॉर्नफ्लॉर इसे मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा होम मेड क्लीनजर बिल्कुल रेडी हो गया है इससे आराम से आप फर्नीचर भी क्लीन कर सकते हो ग्लास भी क्लीन कर सकते हो अभी मैं दिखाती हूँ कितने आराम से ग्लास क्लीन होता है इससे ये देखिए मीशू के ये फिंगरप्रिंट्स अलीना के रूम में ना जहाँ जहाँ जितना दूर तक उसका हाथ जाता है हर जगह आपको उसकी उंगलियों के निशान मिलेंगे खाना वाना भी खाती है झूठा हाथ भी रहता है ना तो पूरा सूख जाता है वो निकलता नहीं है फिर इतनी आसानी से ये देखिए दूर से ही विजिबल है तो जस्ट इसके ऊपर स्प्रे करना है और मैं जस्ट टिश्यू से क्लीन कर रही हूँ कितने आसानी से क्लीन हो रहा है आप देख सकते हो मैंने कोई स्क्रबर भी नहीं लिया है मैंने कुछ हाथ में नहीं लिया जस्ट टिश्यू पेपर है तो ये होम मेड ग्लास क्लीनर बहुत इफेक्टिव है आप ट्राई करना और ग्लास देखिए कैसे क्लीन हो गया है और ये मिशू यहाँ पर भी ना और ये जो ड्रॉ कबर्ड वगैरह है ना पेंसिल पेन कुछ भी मिल जाए उसके हाथ में तो इस तरह से पेंसिल का पूरा स्क्रैच मारती है अगर इस तरह का पेंसिल का निशान है और परेशान हो कैसे निकाले तो इसे भी आप किचन क्लीनर से निकाल सकते हो जस्ट थोड़ा स्प्रे करना है टिश्यू लेके इसे इस तरह से क्लीन कर लेना है आराम से निकल जाता है यहाँ पे जो मैं किचन क्लीनर यूज़ करती हूँ वो जी जीफ का है जे ऐसा कुछ नाम है तो उससे इफेक्टिवली क्लीन होता है अब इंडिया है पता नहीं मुझे आप लोग ट्राई करके देखना शायद वर्क करे। यहाँ पर तो आराम से जो किचन क्लीनर है मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ उससे तो ये हमारा देखिए वॉड्रोप बिल्कुल क्लीन हो गया है तो आपको ये सारे ट्रिक्स पता रहेंगे ना तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी आपको पता होगा किस किस चीज़ से क्या क्लीन करना है तो कोई परेशानी प्रेशा, नहीं होगी बिना एफर्ट लगा के आप क्लीन कर सकते हो तो अभी थोड़ा बहुत ना काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में आ, मुझे ऑयलिंग करना है क्योंकि शैम्पू करने से पहले ना मैं दो घंटे पहले मतलब ऑयलिंग कर लेती हूँ दो तीन घंटे छोड़ देती हूँ बाल में उसके बाद वॉश कर लेती हूँ तो वही मैं ऑयलिंग कर रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मतलब बालों के लिए स्किन के लिए बोल रहे थे आप एक ब्लॉग बनाओ इसके ऊपर तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अलग से हेयर केयर और स्किन केयर रूटीन बनाऊँ अपना ब्लॉग तो मैंने सोचा अभी ऑयल लगा रही हूँ तो शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ तो मैं ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ वेदा का ये आयुर्वेदिक ऑयल है बहुत अच्छा है बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं दस जड़ी बूटियाँ इसके अंदर है एक्चुअली ना मेरा बहुत हेयरफॉल हो रहा था तो मेरी फ्रेंड को मैंने बोला कि बहुत हेयरफॉल हो रहा है मैं क्या करूँ तो उसने मुझे रिकमेंड किया आ, वो एक्चुअली इंडिया में है तो उसने बोला कि यहाँ पर ऐसा कोई ऑयल है जो बहुत अच्छा है और इसमें हर्ब्स वगैरह ना क्लियरली दिखते हैं और बहुत सारे हर्ब्स का ना नाम भी मेंशन है यहाँ पे लाइक आंवला भृंगराज सरसों है इसमें मेथी सीड्स कलौंजी सब कुछ है मतलब बहुत सारे हर्ब्स आप देख सकते हो यहाँ पे तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा इसका कॉम्बेनेशन ना ऑयल का बहुत अच्छा लगा तो मैंने फिर मंगा लिया आप लकी हो इंडिया में हो तो आराम से आपको मिल जाएगा तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है आप लेकिन फ्लिपकार्ट में ना थोड़ा सा प्राइस कम है आप चेक कर लेना वहाँ पर तो बस ठीक है मैं थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेती हूँ फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे तो बस बाल में तेल लगाने के बाद तेल अपना काम करता रहेगा और मैं अपना काम करती रहूँगी तो मतलब दोनों काम साथ में होता रहेगा दो घंटे बाद मैं वॉश कर दूँगी और ना अच्छे से, से मसाज करना है ऑयल लगाकर तो बाल अच्छा नरिश होता है तो बस ऑयल लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में एक और टिप शेयर करती हूँ आपके साथ अगर आपको ना कम टाइम में रोटी बनाना हो तो ये ट्रिक बहुत काम आने वाला है तो देखिए मैंने दो लोई लिया है उसके ऊपर इस तरह से ऑयल स्प्रेड करना है दोनों लोई में स्प्रेड करना है आप घी भी लगा सकते हो उसके बाद इस तरह से प्रेस करना है मतलब ऑयल अच्छे से लगाना है ऑयल क्या करेगा ना उसे चिपकने नहीं देगा रोटी को बेलने के बाद भी वो चिपका रहेगा और साथ में आप रोटी बेल कर सेक सकते हो तो जस्ट अच्छे से इसे दबाना है हथेली से और नॉर्मली जैसा हम रोटी बेलते हैं नॉर्मली रोटी बेल देंगे उसी तरह से और ये रोटी ना हमारा एक फेस्टिवल है कोलकाता में शबे बारात उस दिन ज़्यादातर घरों में बनता है क्योंकि ना उस दिन हम बहुत सारी रोटियाँ गरीबों में बांटते हैं चने की दाल का हलवा बनता है सूजी का हलवा बनता है तो ह्यूज क्वान्टिटी में मतलब रोटी बनता है तो एक एक रोटी बनाए तो बहुत टाइम लग जाएगा तो ये ट्रिक यूज़ किया जाता है स्पेशली उस दिन ही मेरे घर में भी मतलब माँ के घर में भी ऐसे ही बनता है तो मैंने वहाँ पर ही देखा था तो मैंने सोचा ये वाला शेयर करूँ आप लोगों के साथ क्योंकि अगर आपकी जॉइंट फैमिली है बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर घर में है तो बहुत मुश्किल हो जाती है बहुत सारी रोटियाँ बनाना बट बट इस टिप के साथ ना आसानी से आप आधे टाइम में अपना काम खत्म कर सकते हो देखिए उसके बाद ना हल्का सा ठंडा होने देना ये तो बहुत है मेरे मेरा हाथ जल रहा है आराम से आप निकाल सकते हो इस तरह से खुल जाता है और रोटी भी ना बिल्कुल सॉफ्ट रहती है और घी लगाओगे तो आराम से और भी निकल जाएगा दूसरा वाला तो अपने आप ही निकल गया था एक में मैंने घी लगाया था और एक में मैंने तेल लगाया था तो घी और ज्यादा अच्छे से निकलता है देखिए बहुत आराम से निकल जाता है और रोटी भी बहुत सॉफ्ट है ऐसा नहीं कि हार्ड है ऐसा कुछ देखिए तो टाइम बचाना हो इस तरह से आपका गैस भी बचेगा आपका खुद का टाइम भी बचेगा अगर इलेक्ट्रिक पे खाना बनता है तो इलेक्ट्रिक आपकी सेविंग होगी और देखिए रोटी कितनी सॉफ्ट है तो आधे टाइम पे आप अपना काम ख़त्म कर सकते हो बच्चों को स्टडी में टाइम दे सकते हो जो टाइम आप रोटियाँ बनाने में वेस्ट करते हो और ये अपने आप ही खुल गया था इसमें मैंने घी लगाया था और ये बिल्कुल भी कच्चा बच्चा नहीं रहता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि कच्चा है बिल्कुल भी कच्चा नहीं है ये अच्छे से पक जाता है खाते वक्त आपको समझ में आएगा तो बस ये इस तरह से रोटियाँ बना सकते हो तो ये एक टिप मैंने शेयर किया आपके साथ एक और ये बना जो है ये कुकीज़ का डब्बा है बिस्किट का डब्बा है जो खत्म हो गया था और अलीना फेंकने जा रही थी कल तो मैंने रोका उसे और इसे देख मुझे आइडिया आया कि मैं क्यों ना इसमें जो होल स्पाइसेज होते हैं ना मैं वो रख सकती हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऐसे वाले मतलब मसाले का डब्बा है जिसमें मैं पाउडर मसाले रखती हूँ बट इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ ना डालते वक्त ये यहाँ वहाँ फैल रहा था इसमें इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है बोलकर ये मसाला यहाँ वहाँ हो रहा है तो ये सूटेबल नहीं है रखने के लिए तो मैंने इस तरह का कप लिया प्लास्टिक का कप है ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया यहाँ पे और ये पाँच फोरन है तो बीच में जगह खाली था बड़ा वाला कप नहीं आ रहा था तो मैंने छोटा सा डाल दिया और इस तरह से आप अपने होल स्पाइसेस वगैरह इसमें अलग से रख सकते हो और भी बहुत काम के लिए यूज़ कर सकते हो तो चीज़ों को आप री कर सकते हो काफ़ी पैसे भी बच जाते हैं उससे घर में हमारे पास ना इतना सारा सामान आता है बट हम फेंक देते हैं और फिर नया नया सामान खरीद कर लेकर आते हैं ये देखिए दो तरह का डब्बा हो गया है और ये बिस्किट का है तो ऑब्वियसली एयर टाइट है तो कोई टेंशन नहीं है इस तरह से मैंने फिर ये सब डब्बा सब मैं कलेक्ट करती हूँ ये देखिए चिंग्स चटनी का ये वाला है जस्ट लेबल निकालना है अगर आप चाहो तो इसका ये ना स्प्रे कर, कर सकते हो मैंने स्प्रे कर दिया है लिड को इस तरह से गोल्डन स्प्रे ताकि सब एक जैसा दिखे और ये काफ़ी सुंदर भी लगता है देखिए एक साथ इस तरह से कलेक्ट करके आप और इसका लीड इतना सुंदर है ना कि मुझे स्प्रे पेंट करने का ही मन नहीं किया और इसका जो मुंह है बहुत बड़ा है मसाला निकालने में इजी हो जाता है इस तरह से मैंने न्यूट्रीला के डब्बे जमा किए हैं बड़े साइज़ के छोटे साइज़ के आप एक ही तरह का चार का छः का सेट बनाओगे इस तरह से ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और अब इस ये सब चीज़ अमेज़ॉन में खरीदने जाओगे ना इस तरह के लंबे जार्ज बहुत महंगे आते हैं तो जब घर में ही सामान आता है हमारा तो फिर क्यों हम बाहर से खरीदें तो ये पूरा कलेक्शन ना मेरा री का कलेक्शन है मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है यहाँ से और ग्लास का ये सॉरी जो ग्लास का बॉटल आता है ना दूध का तो उसे भी मैं यूज़ करती हूँ तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ना इसे वास बनाया है फार्म दिख रहा होगा आपको दूध का बॉटल अलाइन फार्म्स लिखा है तो बस इस तरह से ना आप सजा सकते हो तो बहुत चीज़ों को आप घर में चीज़ें आती है हम उसे यूटिलाइज़ नहीं करते और फेंक देते आप देखो क्या सामान आता है क्या है घर में क्या चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हो तो काफ़ी पैसे भी बच जाते हैं और देखने में बहुत सुंदर लगता है ऐसा नहीं कि खराब लग रहा है देखिए ये मेरे डाइनिंग टेबल पर मैंने एक लगाया है और एक एंट्री वे में आपको दिखेगा ये भी आ, ग्लास का ही मतलब ये मैंने री किया है दूध का बॉटल को बट लग रहा है क्या बिल्कुल नहीं लगता है आप चाहो तो पानी भर कर रखो जूस भर कर रखो और ये कितनों के साथ होता है ये बहुत बार होता है मेरे साथ कभी कभी मैं कुछ चढ़ा कर चली जाती हूँ और इस तरह से उबल जाता है और पूरा गैस ख़राब हो जाता है पूरा गंदा हो जाता है और इस तरह से गंदा होता है फिर निकलना मुश्किल हो जाता है तो कोशिश करें जैसे ही खराब होता है ना मतलब कुछ गिर जाता है ना उसमें आप पानी डाल दो हल्का सा ताकि वो सूखे ना बट ये इलेक्ट्रिक का है ना इसमें बहुत देर तक ये गर्म रहता है तो ये जितना ही पानी डाल दो ये सूख ही जाता है तो इसमें क्या करना है ना थोड़ा जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस तरह से गीला कपड़ा लेके इसके ऊपर ऐसा रख देना है और गैस में भी आप ऐसा कर सकते हो गैस का चूल्हा है आपका तो भी आप ऐसा ये सेम ट्रिक यूज़ कर सकते हो उसके बाद आधा एक घंटे के बाद हम निकाल लेंगे उसके बाद उसके ऊपर डालेंगे बेकिंग सोडा डाल के ना और इस तरह से मैं नींबू का ऑरेंज का छिलका मैं फेंकती नहीं हूँ मैं जमा करती हूँ और बहुत ही काम बहुत चीज़ों में काम आता है मैं आपको दिखाऊंगी अभी तो बस एक मैंने नींबू का निकाला ये और उसके बाद इसे हम रब कर लेंगे इसके ऊपर और आसानी से ये क्लीन हो जाएगा आप ये सब ट्रिक घर में यूज़ करोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगी आपकी लाइफ कम टाइम में आपका काम ख़त्म हो जाएगा आप थकोगे भी नहीं और काम इज़ली हो जाएगा तो थोड़ी देर मैंने ना घिस के छोड़ दिया है ताकि थोड़ा और फूल जाए वो और उसके बाद मैंने बाकी चूल्हा जो था ना आसपास पास का क्लीन कर लिया है और देखिए किस तरह से साफ़ हो गया है तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक चूल्हे के ऊपर नहीं गैस का चूल्हा भी है तो भी आपका काम करेगा उसके बाद इसे थोड़ा क्लीन कर लेंगे जो गंदा है सब निकाल लेंगे और उसके बाद फिर से ना मैंने थोड़ा सा इस तरह से नींबू से घिस लिया है ताकि बचा कुछा जो भी ये सब निकल जाए तो पूरा चूल्हा ही साफ हो गया है और फिर साफ़ कपड़ा लेकर गीला कपड़ा लेकर एक बस इसे थोड़ा पोछ लेंगे और बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा देखिए और बहुत बार ऐसा होता है कि हम नींबू को नींबू का मतलब रस पीते हैं लेमन जूस पीते हैं बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं और इंडियन कुकिंग में नींबू इतना यूज़ होता है इवन ऑरेंज हम खा के उसका छिलका फेंक देते हैं तो आप ये सब नहीं फेंक करना, आप इस तरह से एक बॉटल लेकर उसमें पानी डालो थोड़ा सा विनेगर डालो और डालकर सब चीज़ों को ना उसमें डालकर आप रख सकते हो इवन मौसम्मी का छिलका जो भी सिट्रस फ्रूट होता है ना काफ़ी यूजफुल होते हैं उससे आप पोछा लगा सकते हो आ, मिक्सी वगैरह क्लीन कर सकते हो बहुत इफेक्टिव होता है बट हम सब फेंक देते हैं और इसे आप आराम से ना दो हफ्ता फ्रिज में रख दोगे तो भी कुछ नहीं होगा अच्छा पोछा लगाने में बहुत काम आता है एक इसका जो पानी है ना दो तीन दिन पुराना हो जाता है ना तो बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है इसके पानी में से फिर यही पानी आप यूज़ करो एक तो क्लीनिंग का भी काम करेगा क्योंकि इसमें लेमन वगैरह है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा जो भी फ्लोर पर ग्रीस वगैरह होता है ना तेल का मेरा तो ओपन किचन है ना तो बहुत अगर अगर खाना बने ना ऑयली फ़ूड कुछ बनता है घर में फ्राई फूड कुछ बनता है तो बहुत ज़्यादा ना फ्लोर पे दिखता है वो मतलब ऑयलीनेस फील होता है ग्रीजनेस तो इससे आराम से क्लीन हो जाता है और एक खुशबू भी बहुत अच्छी सी आती है वो लेमन का या फिर ऑरेंज का खुशबू एकदम फ्रेश फील होता है और यहाँ पर देखिए इसकी हालत ये टोस्टर है मेरा जो बहुत गंदा हो गया है और ये ग्रीस वग़ैरह निकलता नहीं है जल्दी तो इसे भी मैं लेमन से ना इस तरह से क्लीन कर लूँगी लेमन के पील से और आराम से थोड़ा सा लगा के घिस के ना आप पाँच मिनट छोड़ दीजिए उसके बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल क्लीन हो गया उसके बाद जस्ट टिश्यू पेपर से मैं पोज दूंगी इसे और आप देख सकते हो सिर्फ नींबू से मैंने क्लीन किया है और कितना अच्छे से क्लीन हो गया इस तरह से ग्रिलर या फिर मिक्सर ग्राइंडर कुछ भी है ना आपका इस तरह से आप घिस के क्लीन कर लो आराम से क्लीन हो जाता है और ये देखो यहाँ पे फेड हो गया यहाँ पर Uh, क्योंकि धूप घूम गया है धूप uh, मतलब तो दो तीन घंटा ही बालकनी में आता है उसके बाद धूप इतना नहीं पड़ रहा है आज तो काफ़ी हद तक फेड हो गया है कितना गहरा दाग था तो नेक्स्ट डे भी मैं डाल दूंगी नेक्स्ट डे तक कम्प्लीटली चला जाएगा ये कभी भी आप देख लेना ट्राई कर लेना अगर ट्राई करोगे तो ही पता चलेगा कभी भी ऐसा हुआ ना फ्यूचर में तो आप धूप में डालो बट यही है कि आपको वॉश नहीं करना है बिना वॉश करके पहले डालना है उसके बाद धोना है तो मैं थोड़ा रखती हूँ हल्का हल्का धूप है अभी भी यहाँ पर तो ये चला जाएगा जिस तरह से बच्चों के बदन से जॉन्डिस निकलता है ना धूप से उसी तरह से ये मतलब हल्दी का दाग वगैरह करी का दाग वगैरह धूप खींच लेता है आपको भी ट्राई करके देखना तो बस अभी लंच का टाइम हो गया था मैंने बाल वॉश कर लिए हैं नहा लिया है मैंने और बस अभी मैं और मैं कुछ रेसिपी शेयर नहीं कर पाई आज क्योंकि आज बहुत सारा काम था तो बस मैंने ये बैंगन की सब्ज़ी बना ली है और ये बहुत ही बहुत ही टेस्टी बनता है मैं कभी शेयर करूँगी आपके साथ सूखी सब्ज़ी है बहुत कम मसालों के साथ बन जाता है और मैंने एयर फ्रायर में फ़िश रख दिया था फ़्राई होने के लिए आ, तो बस ये हमारा लंच है सिंपल सा लंच बना लिया है और टमाटर की चटनी बनाऊँगी साथ में और राइस रहेगा तो टमाटर की चटनी के लिए मैं यहाँ पे अनियन चॉप कर रही हूँ बिल्कुल ऑमलेट में जैसे अनियन काटते हैं ना छोटा छोटा चौ मैंने चॉप कर लिया है थोड़ा सा ग्रीन चिली सिंपल सी टमाटर की चटनी है बट बहुत टेस्टी लगता है तो मैंने ना टमाटर को काट काट के ऐसे ना डाल दिया है चार चार टुकड़ा कर लिया है टमाटर का और उसके ऊपर हल्का सा नमक छिड़क दिया है और हल्का सा ऑयल स्प्रे कर देंगे और इसे थोड़ा पका लेंगे ये रोस्ट हो जाएगा अगर गैस पर रोस्ट करें तो और भी अच्छा है टेस्ट बहुत अच्छा आता है पूरा होल टमाटर ऐसा रख के ना बहुत मज़ा आता है बंड फ्लेवर उसका और यहाँ पे सैलेड भी मैंने थोड़ा काट लिया है देखिए बन गया है गल गया है मतलब तो बस इसे हम थोड़ा मैश कर लेंगे तो पहले तो हल्का हल्का तोड़ लूँगी नहीं तो दबाने से ना जूस ऊपर उड़ता है इसका तो इस तरह से मैंने मैश कर लिया है और राइस के साथ मुझे ये टमाटर बहुत अच्छा लगता है मुझे दाल की भी ज़रूरत नहीं है अगर इस ये टमाटर हो साथ में तो तो आप ये ट्राई करना कभी साथ में आप कोरिएंडर लीव्स या पार्सले भी डाल सकते हो चॉप करके और यहाँ पर बैंगन की सब्ज़ी मैं सर्व कर रही हूँ और ये रेसिपी और ये बैंगन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कभी तो बस यही हमारा लंच था आज का वाइट राइस बना लिया था मैंने आज और हस्बैंड पता नहीं आज साथ में लंच भी करेंगे यानी आज काफ़ी बिजी दिख रहे हैं वो और अलीना अलीना भी आ गई है स्कूल से तो बस अब हम लंच कर लेंगे और मीशो को ही बैठा दिया मीशो को मैंने ऑलरेडी खिला दिया है बट साथ में बैठाती हूँ उसे उसे, उसे अच्छा लगता है और अभी सो करूमिशू तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए होंगे और आप ट्राई करना ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है तो ट्राई करने से पता चलेगा काम कर रहा है या नहीं और शेयर करना मेरे साथ अगर काम कर रहा है तो भी नहीं कर रहा है तो भी तो फिर ठीक है मैं आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में अपना ख्याल रखिए स्टे सेफ बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़